ये कहना था कि आधी रोटी खाएंगे और फिर से सत्ता कांग्रेस को लाएंगे। मिलजुल के सरकार बनेगी और सबको एक साथ विकास करेंगे। जो मोदी जी ने नफरत फैला रखा था पूरे बिहार में, आज राहुल गांधी ने उस मोहब्बत का पैगाम देकर दिल्ली वापस जा रहे हैं और ये तय हो गई है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को देश ने समझा और देश ने राहुल गांधी जी को समझा। जो सच्चाई थी वो सामने आ गया। जिस आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम और माँ सीता का कैरेक्टर ये सब आपने देखा होगा, इस पर भाजपा बोल नहीं रही है। देखिए, राहुल गांधी अभी जो है 23 तारीख को 11:15 का वक्त है और राहुल गांधी अब कांग्रेस का जो पटना में दफ्तर है सदाकत आश्रम, वहां से निकल चुके हैं और उनके पीछे जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ है वो निकली हुई है, क्योंकि अब जो है बड़ी बैठक होने वाली है। आप कहाँ से आई है? आप कहाँ से आई? जी, पटना से, रीता सिंह जी के काफिले में। अच्छा जी, नेता है वो? जी नेता है। अच्छा, क्या बात हुई है? आरएस है, रीता सिंह जी नेता है। क्या बात हुई है? जी, अंदर तो बात हुई कि मिलजुल के सरकार बनेगी और सबको एक साथ विकास करेंगे, जो कि भाजपा नहीं कर पाई। आप लोग कार्यकर्ता? भाजपा कार्यकर्ता है और आज संदेश देके गए हैं राहुल जी ने कि हम लोग नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकल चुके हैं और इसी क्रम में आज हम लोग बिहार आए थे। बिहार में नफरत की दुकान बंद। कहाँ से आए? हम दरभंगा से आए हैं। संजीव कुमार ठाकुर नाम है, जाले प्रखंड के महासचिव हैं। जी, हाँ भाई, आप कहाँ से? हम अररिया जिला से आए हैं, समझे। जो मोदी जी ने नफरत फैला रखा था पूरे बिहार में, आज राहुल गांधी ने उस मोहब्बत का पैगाम देकर दिल्ली वापस जा रहे हैं और ये तय हो गई है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है। बिल्कुल, ये आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि ये अभी सदाकत आश्रम में बहुत कम समय के लिए राहुल गांधी ने स्पीच दी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष, उन्होंने स्पीच दी। अब वहाँ से ये सारी भीड़ बाहर निकल रही है। तो आप लोग भी पार्टी कार्यकर्ता हैं? कहाँ से आए आप? हम तो बांका से आए हैं। अच्छा, क्या अंदर क्या बताए? हम लोग तो यही जानते हैं कि जो 24 में लोकसभा चुनाव है, इसकी तैयारी हम लोग देख रहे हैं कि विपक्षी एकता एकजुट करने के लिए यहाँ पर राहुल जी आए थे, तो कांग्रेसी हम लोग से मिलने के लिए यहाँ हमारे ऑफिस में सदाकत आता हो जाएगा और हो जाएगा। पूरा विश्वास है कि हो जाएगा। विपक्षी एकता के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में भारत में हम लोग मजबूत होंगे। कितनी भीड़ थी? कितने लोग आए होंगे? लाखों की संख्या में तो जरूर भीड़ थी। अंदर आपके कार्यकर्ता लाखों में थोड़े थे? लाखों में नहीं थे तो आपको ये भीड़ कम नजर आ रही है? कार्यकर्ता लोग ही है। 10,000 से 15,000 की भीड़ जो है वो बताई जा रही है कि 15,000 ज्यादा ज्यादा था। बहुत भीड़ था। जब भीड़ था इसमें काफी लोग अंदर से बाहर, अभी बहुत बाहर आएंगे अभी। हाँ, 50 से बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है। अब खुल चुकी है एकदम, पूरा ऑलरेडी खुल चुकी है। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी निश्चित होंगे। बिहार में भी गठबंधन किया है, वो सहयोग है। बिहार का भी लोग सहयोग करेगा। अभी मीटिंग है, लोगों का अभी मीटिंग हो रही है गठबंधन की, इसीलिए हाँ बिहार से भी भागेगा मोदी। बिहार में हाँ कहीं 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 नहीं होगा, सफाया पूरा हिंदुस्तान से सफाया होगा उसका। आप भाई साहब बड़ा एकदम, हाँ जी बताइए। पंकज जी कौन है? बिहार से हैं। क्या हुआ आपकी मीटिंग? देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार। जिस तरीके से देश में लोकतंत्र खतरे में है और भाजपा के द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा, तो निश्चित तौर पर बिहार इसकी अगुवाई कर रहा है। मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ ये तो तमाम पार्टी के लोग तय करेंगे। यहाँ पार्टी के नेता जो राहुल जी ने स्पीच दी, खड़गे जी ने स्पीच दी, उसका क्या रहा? आपको नहीं दिख रहा कि अब देखिए, जो प्रोपगंडा भाजपा के लोग चलाते थे, उस प्रोपगंडा का पर्दाफाश भारत जोड़ो यात्रा से हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी को देश ने समझा और देश ने राहुल गांधी जी को समझा। जो सच्चाई थी वो सामने आ गया। ये भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोग भाजपा से निजात चाहते। अभी हाल में जिस आदि पुरुष फिल्म में भगवान राम और माँ सीता का कैरेक्टर ये सब आपने देखा होगा, इस पर भाजपा बोल नहीं रही है। महंगाई पर भाजपा नहीं बोल रही है, बेरोजगारी पर नहीं बोल रही है। जिस बिहार में आकर भाजपा के लोग बोली लगाते थे, बदनाम करते थे, यही अभी शरद पाठक जो
वहाँ के थाना प्रभारी को मारा, अपहरणकर्ताओं को छुराया, अगर बिहार में होता तो भाजपा के लोग सड़कों पर नाक दरड़ते, कहते बिहार में जंगल राज। तो ये यहाँ जो नेताओं का आगमन हुआ है, इसके लिए पूरा बिहार समस्त पार्टी के नेताओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, और एक बार उन लोगों से भी प्रार्थना करता है कि पूरे देश से भाजपा की निकम्मी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ये भीड़ इकट्ठी। तो ये जो है कांग्रेस ये कहना था इंदिरा जी का, ये कहना था कि आधी रोटी खाएंगे और फिर से सत्ता कांग्रेस को लाएंगे, ये है बिहार और ये बिहार की धरती, ये बताना चाहती रोटी का आधी रोटी खा करके भी हम लाएंगे इंदिरा को, उस जमाने की बात कही गई थी, आज फिर से वही स्थिति हम लाना चाह रहे हैं। 18 रुपए चलने। आपका क्या नाम जी? मेरा मोहम्मद एजाज अली मुन्ना नाम है, भारत जोड़े कोऑर्डिनेटर हूं मैं जी। अच्छा, तो यहाँ आप कहाँ से हैं? हम नवादा जिला से आए हैं जी। कुछ जो है, हाँ बताइए। ये जो भीड़ है ये किसान और युवाओं का भीड़ है, ये पूरा जो बिहार में जो भी हैं तो किसान और मजदूर हैं और बेरोजगार युवा हैं, ये तीन ही जातियां हैं यहाँ पर और कोई नहीं है, और तीनों का भीड़, किसान मर रहा है और जो मजदूर का स्थिति पूरा भारत में देख रहे हैं वो तो हल है, और जो बिहार के युवा बेरोजगार हैं उनका स्थिति आप देश भर में देख रहे हैं, ना रोजगार हार में तो सरकार आप ही की है। कहाँ सरकार है लेकिन कहाँ अभी अच्छी नहीं है भाई साहब। हाँ, सरकार तो अभी आई है, देखिए अभी किया ठीक है, बीजेपी ही उसका विभाग था, क्या किया आज ये लोग पे ही ब्लेम डाल रहा है। इस बार अगर गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट है इस देश का। ये आप जैसे यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता सुने, हम सोचेंगे कि कुछ सामान्य लोग हैं उनसे बात करें। चाचा कहाँ से आए? कहाँ से आए, कौन जिला? ये बाकरपुर कुतुबपुर से आए, जिला वैशाली से आए। अच्छा, हाँ तो क्या कैसे कब पता चला कि यहाँ आने वाले हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी आने वाले, आप कांग्रेस के जुड़े हुए हैं? बोलो बोलो। अरे उनको क्या देख रहे हैं इसे बताइए ना। हाँ, क्या करते हैं? मजूरा आदमी। कहाँ पे? गांव में, लेबर क्लास के आदमी है। तो यहाँ कैसे आए, कोई बुलाया अपने साथ? हाँ ना, बुलाया है। कौन बुलाया? गोलू। गोलू है। अच्छा, हाँ। तो ऐसा नेता लोग जो है, कुछ लोगों को बाहर के जो लोग हैं वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अलावा जो यहाँ का मजदूर वर्ग है, यहाँ का जिनको जनरली हर पार्टी के सरकारें, हर पार्टी के कार्यक्रम में ऐसा देखने को मिलता है। माइक संभाल। चाचा आप कहाँ से? आदापुर नेपाल, चंपारण से। चंपारण से? हाँ, बॉर्डर पर से। इसे यहाँ पहुँचे? यहाँ पर आयल बनी सर, राहुल गांधी के नेतृत्व में भाषण वाषण। पुराने कांग्रेस ही है क्या? हाँ, पुराने कांग्रेस। बहुत बदल गया आप तो जो है बिहार में, तब आप कांग्रेस से जुड़े हैं? हाँ, अभी कांग्रेस से हम लोग जुड़े हैं। इससे पहले? वही सब पहले हूँ, कांग्रेस ही थे। कांग्रेस से जी। तो क्या कुछ लग रहा है, कुछ होगा? हाँ, एकदम होगा सर, पूरा बदलाव होगा इस बार। बेरोजगार एकदम जो है सो मोदी को भगा के रहेगा। इस बार यहाँ की जवान, यहाँ के जवान और बिहार के लोग जो हैं पूरे बदलाव के मूड में हैं, पूरे जोश व खरोश के साथ दिख रहे हैं। और कौन सा बदलाव करेंगे, 24 वाला है 25 वाला? 24 वाला बदलाव होगा, 24-25 इस बार बीजेपी 25 में होगा तो आपकी सरकारें चली जाएगी। सन 2024 में बीजेपी का सफाया इस बार बिहार से बिल्कुल निश्चिंत है, और इसके लिए युवा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और हम लोग पूरे कांग्रेस। आप लोग कहाँ से? पटना। हमारे बोलिए ना भाई, फुलवारी शरीफ जी। हम लोग रोहतास से आए हैं, रोहतास में कोचस, हर जगह से लोग आए, हर जगह से आए हुए हैं, चूँकि देश का भविष्य, देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, गरीब गुरबा को बचाने के लिए आज हमारे माननीय राहुल गांधी इस देश के आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए पूरा बिहार जो है आज पटना में है। बिहार के बहुत लोग कहते हैं कि मोदी का टक्कर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। आज जो भीड़ पटना में आप देखिए, पूरा रोड ब्लॉक है खाली पब्लिक से, समझा? आज तक कोई नेता के आगमन पर इतना भीड़ नहीं हुआ था जितना आज राहुल गांधी के आने पर भीड़ हुआ। आप पूरे पटना का न्यूज़ लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी के नेता को आज कोई पूछ नहीं रहा है। क्या नाम है? रविंद्रनाथ पाठक मेरा नाम है, रोहतास जिला से कोचस प्रखंड से आए हुए हैं, और वहाँ से हम लोग, वहाँ से 1000 आदमी आए हुए हैं अपनी गाड़ी से, अपनी गाड़ी से आए, अपने खर्चा करके आए हैं। ये कम से कम बीजेपी के वहाँ को करके, हमारा का विधायक वहाँ जो है
हमारा विधायक कांग्रेस का वहाँ का है संतोष मिश्रा, वो भी यहाँ आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी की वहाँ से खड़े। आप कहाँ से आए मैडम? शिवहर जिला अध्यक्ष नूरी बेगम, सैकड़ों लोग को लेकर के आए हैं राहुल जी के स्वागत में। वो तो दिख गया, भीड़ का काफी है, अपना कार्यकर्ता जुटे हैं, तो इसका कुछ फायदा होगा? फायदा होगा, मोहब्बत के बाजार फिर से शुरू होगी और नफरत का बाजार खत्म होगी। वो नफरत है? नफरत विपक्षी पार्टी जो मोदी जी है वो नफरत का। वो तो अमेरिका में बोले हैं कि सब हमारे यहाँ लोकतंत्र है, सब कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं है। बोलते हैं, करते नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का काम है सिर्फ झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, नफरत करना, और राहुल जी का काम है उसको पाट के प्यार मोहब्बत करना। और प्यार मोहब्बत में 2024 में हम बताएंगे प्यार मोहब्बत के किसकी सरकार बनती है। ये आप जो एक ज़्यादातर लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, चूँकि यहाँ पे राहुल गांधी का अंदर इस सदाकत आश्रम के पास में उनका जो कांग्रेस दफ्तर है, ये जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ पर पे, यहाँ अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी आए थे, चूँकि कोई स्पीच नहीं हो रही है, कोई पहले ये था कि हो सकता है रैली हो सकती है विपक्ष की, लेकिन कोई रैली नहीं होगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले निकले, ये बिहार कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है और इसी में जो है राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आए हुए थे और अब जो है एक अणे मार्ग यानी मुख्यमंत्री आवास पर उनकी बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक, मतलब जो विपक्ष के कई सारे नेता हैं, 17 दलों के नेता हैं, उनके साथ बैठक होगी और एक मंच, एक सहमति बनाने की कोशिश होगी। तो आप जो है अभी ये कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें देख रहे हैं, जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो करीब सुबह के 11 बज रहे हैं, 23 तारीख है और अभी पीछे साइड में जो है यहाँ पे राहुल गांधी। चाचा कहाँ से आए? हम आए हैं गया, गया से। गया से? जी गया। तो दूर है? हाँ, 90 किलोमीटर है। कैसे आए? अपना साधन से। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं या? नहीं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं 20 साल से। जी कार्यकर्ता हैं? जी, जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हुए गया। और आप लोग? हम लोग भी सब वर्कर हैं कांग्रेस पार्टी। जी क्या रहा बातचीत? बातचीत रहा, अच्छी रहा, बिहार में विकास होगा कांग्रेस पार्टी का। बोलिए, कांग्रेस पार्टी विकास होगा, जनता का भी होगा? जनता का साथ, पार्टी जब सरकार में आएगा तब ना जनता का विकास होगा। सरकार में तो अभी आप हैं? जी नहीं, अभी सरकार में फुल मेजोरिटी में नहीं है, जब फुल मेजोरिटी में आएंगे, सरकार में बनेंगे तो जनता का पूर्ण रूप पूर्व की तरह विकास होगा। अच्छा, तो अभी तो नीतीश और तेजस्वी जी की तो ज़्यादा तो उन्हीं लोगों ने भागदारी रहता है भाई। मैं हमारा जिला में कोई एक विधायक है नए है तो क्षेत्र भरने हैं। बोलिए, ये सब जो महिलाएं हैं ये सब कहाँ से आई हैं? ये सब दूसरे जगह से आई, हम लोग का साथ में नहीं है। आप लोग पूछ सकते, सब भी जो है कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है। अच्छा, तो थोड़ा इनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोग सब कहाँ से आए हैं? मधेपुरा जिला से। हैं? मधेपुरा जिला से। मधेपुरा से? जी। अच्छा, इसे यहाँ से तो दूर है? दूर है ना, रसोई है, मधेपुरा जिला से आई है, गाँव मानपुर पड़ता है। कैसे आई है? 1600 दे में गुजारा नहीं जाए, वही चीज के लिए आलिए रहा। के? रसोईया है, रसोईया पूरे दिन काम करता है, करती है। अच्छा, आप लोग जो है काम करने वाले हैं यहाँ पे, जो लोग आए उनको खाना वाना बना। अच्छा, अब जो है नेता लोग जो है वहाँ से निकल रहे हैं, राहुल गांधी का काफिला निकल चुका है, अब कांग्रेस के जो कुछ यहाँ स्थानीय नेता हैं वो लोग निकल रहे हैं, ये कार्यकर्ता है। हमारे जमुई के भाभी सांसद आईपी गुप्ता जिंदाबाद। बोलिए सर, जिंदाबाद। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग 80 लाख पांच समाज है और हम माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से एवं महागठबंधन के नेताओं से यह अपील करते हैं, आज जिस तरह एक पैर पर पूरे बिहार का पांच समाज आज इंजीनियर आईपी गुप्ता के साथ खड़ा है और हम आपके साथ दे रहे हैं, तो आप इनके लिए टिकट मांग रहे हैं? मांग नहीं रहे हैं, प्रतिनिधित्व चाहिए। प्रतिनिधित्व तो चाहिए, भागीदारी चाहिए हम लोगों को। हम लोग 80 लाख संख्या माने रखता है, 7% हुआ हम लोग।
यह हिस्सा मांग रहे हैं जी इस सरकार से, केंद्र सरकार से, सबसे हम लोग अपना हिस्सा। आपको हिस्सा नहीं? नहीं, उसको पांच समाज का एक भी वोट नहीं मिलेगा। नहीं तो हम ये पूछ रहे हैं कि आप लोग की तो सरकार है ना बिहार में, गठबंधन वाली। हाँ, बिहार में सरकार है तो अभी है, हम अपनी ही सरकार से मांग रहे हैं। सुनिए, अच्छा एक सेकेंड, हम नेताजी से पूछ लें, क्या क्या एजेंडा था, किस लिए आप लोग आए? राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार यहाँ पधार रहे थे, और राहुल जी हमारे बिहार के दिलो दिमाग में, उनके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ सभा मिले थे। तो वो जो है उन्होंने कहा कि 24 में हम सब लोग मिलके मोदी और बीजेपी को हराएंगे, तो आप लोग को क्या लग रहा है, संभव हो पाएगा? 200% संभव होगा, और मोदी जी के अब रास्ता नहीं बचेगा। उनके पास जब आए थे ना, एक झूठ का कुछ बैग था जिसे हमके दिखाई नहीं पड़ रहा था, अब उस झूठ के बैग में होल्स हैं, और ये 10 बरस का जो उनका कुशासन है वो भी शामिल हुआ है उसमें, और वो निश्चित तौर से हम लोग बिहार की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक से हो गया, हिमाचल से हुआ, और अगली बारी बिहार से है उनको भगाने। बिहार में तो 25 में चुनाव होगा, उससे पहले लोकसभा हो जाएगा। जी बिल्कुल, लोकसभा में 40 से 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। या कांग्रेस क्या सीट पाएगी उसमें? कांग्रेस को जितनी भी सीटें मिलेगी महागठबंधन में, सारे के सारे जीतेंगे हम लोग। सिर्फ यही नहीं है, जो भी जिस गठबंधन में जित दलों को मिलेगा, 40 से 40 सीटें मिलेगी। कोई भी क्रांति जो है बिहार से निकली हुई है। महात्मा गांधी कहाँ से आंदोलन शुरू किए? पश्चिमी चंपारण से। तो मोदी को भगाने के लिए बिहार जो है अग्रणी का काम करेगा, और उसमें जो है हमारे पांच समाज का नेता जो है आईपी गुप्ता सर जो है वो प्रतिनिधित्व करेंगे। आप ये बताइए, आप लोग जो है कि उस सर्वदलीय बैठक के लिए आए हैं कि अभी नेताजी टिकट फाइनल करा लेंगे? जी नहीं, टिकट हम लोग स्वागत के लिए आए हुए थे, है ना, और रखने के लिए बात तो सर्वदलीय बैठक होगी, वहाँ पे होगी। टिकट मिलेगा तभी नहीं कहेंगे, कहने मतलब ये। तो मतलब टिकट आप चाहते हैं, कहाँ से चाहते हैं? देखिए मेरा घर जमुई है, और जमुई वो जो चिराग पासवान वाली सीट, मैं चाहता हूँ कि अगर चिराग जी अगर मिले आपको, तो उनको कहिएगा कि वो जमुई से लड़े, और मैं चाहता हूँ कि वो लड़े, मैं उनके खिलाफ में लड़ना चाहता हूँ चुनाव जमुई से। ये लगे हाथ, अच्छा इन्होंने इस्तेमाल किया मौके का कि टिकट के लिए भी दावेदारी कर दी। आज जो है कार्यकर्ता इनके नारा लगा रहे, अब जैसे कैमरा देखता है ना तो नेता के कार्यकर्ता और जोश में आ जाते हैं। अब वो देखिए, और आपकी जो है पंचम तल से जो है सप्तम तल पे उनके सुर पहुंच गए, जैसे उनको दिखा कैमरा चल रहा है और नेताजी से बात हो गई। तो ये नेताजी ने एक पंथ दो काज का काम किया कि यहाँ पे अपना आए, चूँकि यहाँ पर भीषण गर्मी है, मतलब हम लोग तो आप देख रहे हैं, बाकी लोगों को भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ काफ़ी धूप नहीं है लेकिन उमस बहुत ज़्यादा है। तो पटना में अभी हम यहाँ रैली में आए, कार्यकर्ताओं की बात सुनाई कांग्रेस के, तो जाहिर सी बात है पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लिए बात करेंगे। यहाँ का माहौल दिखाना एक मकसद था कि जो अभी बीजेपी विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है उसमें कांग्रेस की दुलारी कितनी है। इसके बाद हम अलग अलग लोगों से, बिहार के लोगों से बात करेंगे, बिहार के जो आम लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये बैठक हो रही है इसका कुछ फल निकलेगा, या फिर जो है ये बैठक कागजों पर रह जाएगी, या फिर जो है ये कुछ बड़ी चुनौती के तौर पे नरेंद्र मोदी के सामने 2024 में खड़ी होगी। जो भी बात होगी वो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे और आम लोगों की बातचीत ज़रूर आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम अभिनव है, कैमरे के पीछे मेरे साथी जेरी हैं, देखते रहिए डी ललन टॉप। शुक्रिया।